हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी को सभी के लिए फार्म मशीनरी एंड पावर। और दोस्तों, आप सभी को मैं एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आपका जो यूट्यूब परिवार था टी एस एग्री अकेडमी का, दोस्तों उसका जो दो टारगेट होते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर तथा 4000 का हावर्स का जो वॉच टाइम होता है दोस्तों, वो आज टी एस एग्री अकेडमी ने पूरा कर लिया है। तो उसकी बहुत बहुत बधाई मैं आप सभी को देना चाहता हूँ तथा आपका श्रेय जो उसकी बधाई का जो श्रेय जाता है वो आप सभी लोगों को ही जाता है दोस्तों। तो उसकी बहुत ही आर्थिक खुशी हमें भी आज हुई है दोस्तों। तो उसी के चलते दोस्तों, अब हमारे पास जो ये सीरीज दी गई है कि सीरीज है बुकलेट नंबर ए, हमारे पास जो सीरीज है उसका हम फुल पेपर सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो चलेंगे, और आपको एक और बात बता दें कि जो आपका ये चैनल था टी एस एग्री अकेडमी, इसने महज 1 महीना 20 दिन में ही ये टारगेट दोनों पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें दिया गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि 45 किलोग्राम प्रति मिनट का कार्य होता है दोस्तों, क्या कार्य होता है? इसका जो आप फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एक अश्वत्थ बराबर होगी दोस्तों। दोस्तों, इस पेपर में हम केवल क्वेश्चन और आंसर दो चीज़ें ही देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि इंजन सिलेंडर उत्पन्न व पिस्टन द्वारा प्राप्त की गई शक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सांकेतिक अश्वत्थ। सेकंड का ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया गया है इंजन की ब्रेक अश्वत्थ नापी जाती है। इंजन की ब्रेक अश्वत्थ दोस्तों किसे नापी जाती है? वो नापी जाती है डायनोमीटर से। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है फोर्थ नंबर की ड्रॉवर के सिरे पर नापी जाने वाली ट्रैक्टर की शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं ड्रॉवर अश्वशक्ति। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर फोर का, ड्रॉवर अश्वशक्ति। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि इंजन की घर्षण अश्वशक्ति दोस्तों क्या होती है? वो होती है सांकेतिक अश्वशक्ति। ओके, सांकेतिक अश्वशक्ति माइनस ब्रेकर अक्षर। देखो, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया गया है कि एक अक्षति बराबर होता है 0.740 वाट। ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें दिया गया है कि इंजन द्वारा उत्पन्न क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर प्राप्त होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग ब्रेक अक्षुति। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हमें दिया गया है कि सिलेंडर में पिस्टन द्वारा एक दिशा में चली गई कुल दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है पिस्टन की चाल। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर एट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया है कि इंजन द्वारा प्रति बीएचपी घंटा व्यय किए गए ईंधन को क्या कहते हैं? दोस्तों विशिष्ट ईंधन खपत। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टेन में हमें दिया गया है कि इंजन की आउटपुट अश्वशक्ति व ईंधन अश्वशक्ति अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात की तो कहते हैं उसमें दक्षता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर टेन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में दिया गया है कि टैकोमीटर से नापते हैं हम लोग, वो नापते हैं इंजन की चाल। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा इंजन की चाल। ओके दोस्तों, इंजन की चाल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया है ट्वेल्व नंबर की कृषि में यंत्र यंत्रों का योगदान है, क्या योगदान है दोस्तों? आलाप दी जाए समय की आलाप दी जाए। क्वेश्चन नंबर 12 राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह में दिया गया है कि फार्म पर शक्ति का स्रोत है, फार्म पर शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि शीतलन प्रणाली द्वारा निकली गई गर्मी की मात्रा लगभग होती है, लगभग कितनी मात्रा होती है दोस्तों? वो होती है 30%। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 15 नंबर 15 फोर्थ शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेटर वाल्व का खुलना लगभग कितने ताप पर प्रारंभ हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है 74 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 15 राइट होगा। इसके बाद चलते ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों होंगे, यानी 35% सल्फ्यूरिकम तथा 65% पानी। तो ऑप्शन ए बी दोनों राइट होंगे, क्वेश्चन नंबर डी राइट होगा। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? कार्बोरेटर का जो दोस्तों कार्य होता है वो होता है वायु और ईंधन को मिलाना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा वायु और ईंधन को मिलाना। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि पूर्ण रूपेण चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, पूर्ण रूपेण चार्ज बैटरी का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है दोस्तों, वो होता है 1.280। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि इंजन जिसका एक इंजन
चक्र क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होता है, वह इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारा दो स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का चलते हुए क्वेश्चन नंबर 20 में, 20 में हमें दिया गया है कि डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होती है, डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता क्या होती है? डीजल इंजन की जो ऊष्मीय दक्षता होती है वो हमारी होती है 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि चार स्ट्रोक इंजन को चलाया जा सकता है, चार स्ट्रोक इंजन को चलाया जा सकता है किसी दोस्तों? केवल घड़ी की चाल की दिशा में होगी, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में। 22 में हमें दिया गया है प्रति अश्वशक्ति के अनुसार इंजन, प्रति अश्वशक्ति के साथ इंजन का भार अधिक होता है दोस्तों, वो होता है डीजल इंजन का, ऑप्शन बी राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जो क्या है, नेक्स्ट में हमें दिया गया है चार सिलेंडर चार स्ट्रोक चक्र वाले इंजन में किस नंबर की पिस्टन एक साथ सात दिशा में घूमती है दोस्तों? वो घूमती है एक और तीन, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि ट्रैक्टर में प्रस्तुत इंजन पहले नंबर का सिलेंडर गिना जाता है, क्या पहले नंबर का सिलेंडर दोस्तों क्या गिना जाता है? वो गिना जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हमारा पहले नंबर का जो सिलेंडर गिना जाता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं आपको इसका आंसर कोई भी क्लियर नहीं कर सकता हूँ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका क्लियर आंसर 24 का दोस्तों हमारे पास अभी तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीडीएफ थोड़ी ब्लर आई हुई है। इंजन में अधिक ईंधन की खपत का कारण है, इंजन की अधिक ईंधन की दोस्तों खपत का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आला भी सारे कारण इंजन की खपत के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया 26 दिया गया फसल कटाई के समय नमी 14% से कम होने पर क्या हानि होगी दोस्तों? क्या हानि होगी दोस्तों? बाल टूट कर छिटकने लगेंगी तथा कटर बार हानि होगी। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, ए और बी दोनों। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर धान या सोयाबीन की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा किया जाता है दोस्तों? वो है स्पाइक टूथ टाइप, स्पाइक ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का स्पाइक टूथ ऑप्शन ए राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 की कंबाइन की मड़ाई की इकाई का भाग, कंबाइन की मड़ाई इकाई के भाग होते हैं, कंबाइन की मड़ाई इकाई के भाग क्या होते हैं दोस्तों? रियर बीटर, स्टेनोमेट्रेप, सिलेंडर व काउंटर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 28 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में दिया गया मड़ाई के समय दोनों के साथ भूसा, दानों के साथ भूसा आने का कारण क्या है दोस्तों? ये जो है पंखे की चाल कम, कान के मृदा होना और छलनी में कम चाल तथा इसका आंसर जो होगा हमारा आलाप दीज सारे कारण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा। थ्रेसर में मड़ाई के समय दाने टूटने का कारण है, थ्रेसर में मड़ाई टूटने का दाने टूटने का जो कारण है दोस्तों? ड्रम की अधिक चाल तथा ड्रम की अधिक चाल कॉन्क्रीमेंट रिक्त स्थान का कम होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है 31, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्लांटर में अधिक बीज नापने के लिए प्रयुक्त होती है? कौन सी युक्ति होती है दोस्तों? वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में हमें दिया गया है विभिन्न फसलों की मड़ाई के लिए कॉनकेव व सिलेंडर के बीच रिक्त स्थान रखा जाता है, कितना रखा जाता है दोस्तों? जो इसका क्लियर आंसर है वो है 20 से 35 मिलीमीटर, 20 से, ऑप्शन ए राइट होगा 32 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में हमें दिया है सीड ड्रिल के बीज नापने की युक्ति है, सीड ड्रिल में बीज नापने की युक्ति है क्या है दोस्तों? वो है आलाप दीज उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में हमें दिया गया कि प्लांटर से अधिक बुआई के समय बीज में टूटने का कारण है, क्या कारण है दोस्तों? वो हमारा बीज टूटने का कारण है, इसका आला दीज ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, अरे यार दोस्तों आज पीडीएफ कुछ ज़्यादा ही खराब है हमारे पास, दिया है कि तवेदार में पासवर्ड खिंचाव होने का कारण है, तवेदार में पासवर्ड खिंचाव होने का क्या कारण है दोस्तों? ये है कि तवे का एक लेवल पर ना होना तथा ट्रैक्टर तवा उचित गैंग कोड का ना होना। तो इसी के अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो 36 दिया गया है कि तवेदार हल में जुताई की अधिक गहराई प्राप्त हो की जा सकती है, कैसे की जा सकती है दोस्तों? वो की जा सकती है ए और बी, ऑप्शन डी राइट होगा, ए और बी ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। एक तवे का आकार बताया जाता है, उसके मतलब तवे का आकार दोस्तों किसे बताया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसका, तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों व्यास और तिल कोण से, व्यास और तिल कोण से, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में दिया गया है सबसॉइलर सहायक है, सबसॉइलर किसमें सहायक है दोस्तों? सबसॉइलर जो सहायक है दोस्तों वो है भूमि को तोड़ने में तथा मृदा की गहरी जुताई में, मृदा की गहरी, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी राइट होगा
ए और बी दोनों ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में दिया गया है कि रोटावेटर द्वारा अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। कब अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है? जो जो तो ये होती रोटरी चाल का अधिक होना, कार में अधिक गहराई तथा ट्रैक्टर की चाल अधिक होना। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा डी राइट होगा 39 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में दिया गया है कि डिस्कोर्ड का मान क्या होता है? डिस्कोर्ड का जो दोस्तों मान होता है वो 42 से 45 डिग्री तक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नॉन ऑफ दीज 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी पलट के हल का भाग नहीं है? दोस्तों मिट्टी पलट के हल का कौन सा भाग है? मिट्टी पलट हल के कौन कौन से भाग हैं? तो दोस्तों ये 41 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये सारे भाग मिट्टी पलट हल के हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा राइट होगा 41 का। इसको चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 42 में दिया गया पासवर्ड दबाव लेने में कौन सा आएगा? पासवर्ड दबाव लेने में कौन सा आएगा? दोस्तों जो पासवर्ड दबाव लेने में वो बैलेंस आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में दिया गया मूंगफली में दाने निकाले जाते हैं। मूंगफली से दाने निकाले जाते हैं दोस्तों, निकाले जाते हैं ग्राउंड नट सेलर से, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में दिया गया है कि लूप टाइप सिलेंडर प्रयोग किया जाता है। लूप टाइप सिलेंडर किसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो पैडी थ्रेसर में। पैडी थ्रेसर ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। 45 जो दिया गया कंबाइन में दो गार्डों के बीच रॉकर आर्म पिस्टन के स्ट्रोक में लंबाई होती है, स्ट्रोक की जो लंबाई होती है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। 45 का करेक्ट आंसर दोस्तों हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमें अभी तक इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला है। तो हम देखते हैं 46 दिया गया मोवर में लेगर प्लेट किसका भाग है दोस्तों? वो है नाइफ सेक्शन का, ऑप्शन सी राइट होगा, नाइफ सेक्शन का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है कि 47 सी ड्रिल में ड्रेक चेन का कार्य होता है। सी ड्रिल में ड्रेक चेन का क्या कार्य होता है दोस्तों? सी ड्रिल में जो ड्रेक चेन का कार्य होता है बीज को मिट्टी से चढ़ाना, ऑप्शन बी राइट होगा। 47 का ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है प्रायः डिबलिंग से बीज की बुआई की जाती है। तो दोस्तों किसकी की जाती है? वो की जाती है गेहूँ की, ऑप्शन बी राइट होगा 48 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में दिया गया सबसॉइलर की गहराई होती है, सबसॉइलर की जो दोस्तों गहराई होती है वो 40 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 में दिया गया है कि कंबाइन में रेल की चाल मशीन की चाल से कितने गुना अधिक होती है? कंबाइन में रेल की चाल मशीन की चाल से दोस्तों वो कितने गुना अधिक होती है? वो गुना होती है सबसे 2.5 से 3 गुना, ओके 2.5 से 3 गुना, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो 51 दिया गया है कि फर्टिलाइजर सीड ड्रिल में प्रायः उपयुक्त शक्ति स्थानांतरण प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है दोस्तों? वो है हमारा गियर और बेल्ट पुली, ऑप्शन बी राइट होगा, गियर और बेल्ट पुली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है भूमि में पौध रोपने में उपयुक्त की उपकरण को उपयुक्त करते हैं दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? वो करते हैं प्लांटर का, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं 53 में दिया गया है कि रीपर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फसल काटने में, ऑप्शन ए राइट है, फसल काटने में रीपर का प्रयोग किया जाता है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 54 में दिया गया है कि मिट्टी पलट हल का आकार बताया जाता है। तो किसे बताया जाता है? वो बताया जाता है हमारा कूड़ की चौड़ाई से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कूड़ की चौड़ाई से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है कि तवेदार हल के अधिक खिंचाव किसके कारण होता है? तवेदार हल का अधिक खिंचाव जो होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, ऑल सभी के कारण होता है, तवे का मुखरा होना, कूड़ की अधिक चौड़ी, ढीली वायरिंग आदि। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जो 56 में दिया गया है कि ट्रैक्टर से जुड़े माउंटेड यंत्र के नीचे गिराने की ओर किससे गिराया जाता है दोस्तों? वो हाइड्रोलिक बल द्वारा, ऑप्शन ए राइट होगा 56 का। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 में जो दिया गया है दोस्तों, 57 का भी करेक्ट आंसर जो दोस्तों है वो है हमारा 57 का मोवर कटर की लीड रखी जाती है दोस्तों, वो रखी जाती है 25 मिलीमीटर तक। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से है, क्लियर तो हम नहीं कर रहे हैं मगर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन 58 में दिया गया है देसी हल का कूड़ की गहराई बढ़ाई जा सकती है, किससे बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? वो बढ़ाई जा सकती है हलवाई की और हरीस में छेंद के बैलों को जोड़ना, तो ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पर देसी हल की जो गहराई बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, 58 का ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में जो दिया गया है कि कंबाइन हार्वेस्टर में कुल हानि निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए, कितने परसेंट से कंबाइन से अधिक हानि नहीं होनी चाहिए दोस्तों? वो होती है 1.5 से 3%, ऑप्शन डी राइट होगा, 1.5 से 3% कम अधिक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में हमें दिया गया है कि ट्रैक्टर चले सी ड्रिल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बोया जाता है। ट्रैक्टर की चाल प्रति यदि 5 किलोमीटर कर दी जाए तो नई बीज दर क्या होगी? तो दोस्तों नई बीज दर होगी वो होगी 70 किलोग्राम
पर हेक्टेयर, 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए आज आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपका TS एग्री अकेडमी जो परिवार था दोस्तों, वो उसने आज के दिन दोनों टारगेट जो है वो पूर्ण कर लिए हैं, उसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है गाइस, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।